हम सभी जानते हैं कि सब्जी या चटनी से ज्यादा मूली परांठों में पसंद की जाती है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत इजी और बहुत खस्ता स्पेशल मूली का परांठा रेसिपी। इस तरह से बने मूली के परांठे सर्व करेंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे। मूली के परांठे बनाने के लिए हमने ली है आधा किलो मूली, जिसे हमने धोकर छीलकर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस की हुई मूली को हम बिना पानी निचोड़े इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, 3 चम्मच सूजी, बारीक काटा हुआ 1 प्याज, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा जैतून का तेल। स्पेशल मूली के परांठे बनाने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मूली के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप गेहूं का आटा डालें। परांठे खस्ता बनाने के लिए इसमें डालें 3 चम्मच सूजी, 1 बारीक काटा हुआ प्याज, गैस और इंडाइजेशन से बचने के लिए 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आएं। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर आटे में एक बार सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। आटे में सभी मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कद्दूकस की हुई 1/2 किलो मूली डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मूली में पहले से ही बहुत पानी मौजूद है जो आटा गूंदने में बहुत काम आएगा। पहले हम बिना पानी मिलाए जितना हो सके आटा गूंद लेंगे। बाद में जब जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और परांठे के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लें। गूंधे हुए आटे पर हम थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके फूल जाए। 10 मिनट रखने के बाद आटे को एक बार फिर से थोड़ा गूंध कर सॉफ्ट कर लें और परांठे बेलने के लिए तैयार कर लें। परांठा बनाने के लिए थोड़ा आटा लें और इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे आम रोटी की तरह ही बेल लें। परांठा मजेदार और खस्ता बनाने के लिए हम इस पर थोड़ा तेल लगाकर हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब परांठे को इस तरह एक तरफ से रोल कर लें। रोल किए हुए आटे को इस तरह से घुमाकर आपस में चिपका दें और थोड़ा दबा दें। अब हम इसे सूखा आटा लगाकर फिर से बेल लेंगे। बेलने के बाद अब यह परांठा सेकने के लिए तैयार है। परांठा सेकने के लिए गरम तवे पर तकरीबन 1/2 चम्मच जैतून का तेल लगाकर अच्छे से फैला लें। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इस पर थोड़े राई के दाने डालें। राई के दाने डालने से एक खट्टा तीखा स्वाद और बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब राई के दाने चटकने लगे तब इस पर परांठा डालकर सेक लें। परांठा तवे पर डालते ही हम इसे थोड़ा दबा देंगे ताकि राई के दाने परांठे में अच्छे से चिपक सके। परांठे हम मीडियम हाई हीट पर सेक रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए।
इसकी दूसरी तरफ भी थोड़ा तेल लगा ले और इसे बारी बारी दोनों तरफ से पलट कर सेक ले। हम जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि और किसी भी तेल के मुकाबले जैतून का तेल हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। मीडियम हाई गैस पर दोनों तरफ से तकरीबन 3 से 4 मिनट सेकने के बाद खस्ता और टेस्टी स्पेशल मूली के परांठे बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत खस्ता है और इन्हें आप अपने पसंद के कोई भी अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिया बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।